माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार की श्री श्रीवाओं की धरती मुंगेर कमिश्नरी में कदम रख रहे हैं। कल आप अपने समाधान यात्रा पर लखीसराय भी आ रहे हैं। लखीसराय न सिर्फ हमारा विधानसभा क्षेत्र है, बल्कि जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है। इससे पहले भी आप 3 बार विभिन्न योजनाओं के क्रम में लखीसराय मुंगेर से पूरा आए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपकी यात्रा का मकसद जनता के पैसों पर पर्यटन और पिकनिक मनाना ही है। आज हलसी प्रखंड का आगत गांव, सुजगढ़ा प्रखंड का रामपुर गांव और बढ़िया प्रखंड का खुठा गांव, जहां आप अपनी यात्रा को लेकर करोड़ों रुपये खर्च करवाए, वहां आपकी योजनाएं बदहाल है। आज भी इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। अच्छा होता अगर आप अपनी इस यात्रा में उन जगहों पर इस कमिश्नरी के गांव में पहले की यात्रा में जा चुके थे, जाकर देखती क्या और कितना बदला है। लखीसराय जिले, मुंगेर जिले से पूरा जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आपकी पुलिस और थानेदार उगाही के लिए ट्रक में लटक कर जिले की सीमा को पार कर रहा है। थानेदार की पोस्टिंग में बोली लग रहा है। दलालों व बिचौलियों का हर जगह बोलबाला है। जनता त्राहिमाम कर रही है। पुलिस दारू और बालू में पैसों की उगाही में लगा हुआ है। कानून का राज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आज भी हलसी के लोगों का स्टेडियम बनने का सपना अधूरा है। आज भी टाल के किसान परेशान हैं। आज भी कृषि फॉर्म का डेवलपमेंट के लिए लोग लालायित है। आपके लोग टाल योजना के नाम पर लाखों करोड़ों लूटने का काम कर रहे हैं। सुलिस गेट के नाम पर लाखों रुपये लूटने का काम किया जा रहा है, जो 2 साल के अंदर बनने का था, उसका 4 वर्ष होने जा रहा है। आज भी दलहन का क्षेत्र घोषित करने के लिए वहां की जनता लालायित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो जिस गांव में, जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां अमृत सरोवर योजनाओं से कितना तालाब निर्माण को हुआ है, देख लें और जांच लें। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि जो काम करने वाला है वो तो आप ही के संरक्षण में पल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आने से शिवसेना गांव के महादलित परिवार के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे बेघर कर दिया गया, और विरोध करने पर इंदिरा आवास का प्रलोभन देकर उसे शांत कर दिया गया। यह कैसा समाधान है? आपकी यात्रा से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आपकी यात्राओं में लोगों को जाने से रोका जा रहा है, जिसका उदाहरण कटिहार में जो हंगामा हुआ है, पूरा बिहार की जनता देखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा आप कर रहे हैं, लेकिन लोग उब चुका है। जनता को आपके चेहरे से नफरत होने लगा है। लोग आप समाधान के बदले व्यवधान और संकट उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी पहचान नीति नियत और सिद्धांत विहीन नेता के रूप में जाना जाता है, जिसके साथ आपने गलबहियां किया है। आज वही उन्हीं के समर्थक लोग कितने दलित शोषित कमजोर तबका पर अत्याचार कर रहे हैं, जरा इसको भी देख लें। मुंगेर कमिश्नरी के अंदर हस्तिनापुर के गुलामों को लाला कर किस तरह से बैठाया गया है, आप देख लें। मुंगेर में हो, लखीसराय हो, सतपुड़ा हो, जमुई हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद दिला दें, याद होगा ना, विधानसभा में जिस गौतम महतो को लेकर के जो दर्शक दीर्घा में बैठा था, उसको 19 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन जो आयोजन किया, जो उद्घाटन किया, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आपने सदन में आपने कहा था ना कि मैं इसको देखूंगा, मैं इसकी समीक्षा करूंगा। क्या अभी इसकी समीक्षा करेंगे? हस्तिनापुर के गुलाम आपको तो सच बताएंगे नहीं, लेकिन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लोगों के अत्याचार से जो जनता पीड़ित हो रही है, और जो हस्तिनापुर के गुलाम पदाधिकारी हैं, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं, और किस तरह से उसे ढकने का प्रयास हो रहा है, जरा उसको भी आप देख लें। अपराधियों का मनोबल आपके हस्तिनापुर के गुलामों के कारण बढ़ रहा है। आप मुंगेर कमिश्नरी, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई के अंदर की तमाम वैसी समस्याओं का, जिसका आपने वादा किया है, उसकी भी समीक्षा कर लें, क्योंकि ये श्री बाबू का धरती है, और श्री बाबू जात की राजनीति नहीं करते थे, जमात की राजनीति करते थे। क्षेत्र के अंदर सिंचाई इरिगेशन का जो डेवलपमेंट किए थे, क्षेत्र के लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किए थे,
उस विश्वास को कायम करके जाइए, तभी समझेगा कि आपका आना कुछ समाधान करके गया। लेकिन सिर्फ अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा तो आपका यात्रा ये अंतिम यात्रा होगा, ये विदाई यात्रा होगा, इसके बाद पुनः आपको यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा।